हाय हाय, ये मेरा स्किन विंटर में कितना खराब हो जाता है और ऊपर से देखो कितना ड्राई भी हो गया है। तो अब मैं क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ या फिर कोई होम रेमेडी ट्राई करूँ? हे गाइस, मैं हूँ संचिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन भी विंटर में ड्राई हो जाती है और स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर की बेस्ट फेशियल, विटामिन ई फेशियल। और हाँ गाइस, आप में से जितने भी ड्राई स्किन के लोग हैं ना, वो इस फेशियल को एक बार करके देखना, पूरे विंटर सीजन में आपकी स्किन बस चमकते रहेगा। सो चलिए अभी वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। सो हमारा फेशियल का पहला स्टेप है क्लेंजिंग, जिसके लिए एक चम्मच कच्चे दूध में दो विटामिन ई कैप्सूल ऐड करके मिला लीजिए, तो बन गया हमारा 100% नेचुरल क्लेंजर। तो अब इस क्लेंजर को लेकर अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। दूध में होता है लैक्टिक एसिड और विटामिन ई ऑयल एक हेवी एमुलिएंट है, जो एक साथ मिलकर हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है। तो फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। तो स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक चम्मच ग्राइंडेड शुगर, फिर इसमें मिला दीजिए एक चम्मच एलोवेरा जेल और दो विटामिन ई कैप्सूल। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा स्क्रब तैयार हो जाएगा। अभी स्क्रब को लेकर हल्के हाथों से आप अपने नोज के अराउंड, चिन एरिया पर और फोरहेड पर इस तरह से स्क्रब कीजिए 2 से 3 मिनट तक। गाइस, चीनी यानी कि शुगर से स्किन को स्क्रब करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे डल, ड्राई, डैमेज स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में बहुत हेल्प करता है, और साथ ही ये हमारे स्किन को ब्राइट और हेल्दी लुकिंग भी बनाता है। तो 2 से 3 मिनट तक स्क्रब हो जाने के बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। सो आफ्टर स्क्रबिंग तो आपने रिजल्ट देख ही लिया है, और अभी 2 स्टेप भी बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। तो नेक्स्ट स्टेप है फेशियल मसाज। मसाज क्रीम बनाने के लिए एक चम्मच कर्ड ले लीजिए, फिर इसमें 3 से 4 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करके मिला लीजिए। तो हमारा मसाज क्रीम बनके रेडी है। अब इस मसाज क्रीम को लेकर फेस को अच्छे से मसाज करना है तकरीबन 10 मिनट तक। गाइस, फेशियल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फेशियल मसाज करना, इसलिए आपको वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहले आप अपने माउथ एरिया को इस तरह से मसाज कीजिए। ऐसे मसाज करने से आपके ये पोर्शन टाइट होगा और ये पोर्शन ग्लो भी करेगा। उसके बाद फोरहेड पर इस तरह से, नोज एरिया पर इस तरह से और आईज अराउंड पर इस तरह से सर्कुलर मोशन पर मसाज करना है, और लास्ट में नेक एरिया पर इस तरह से मसाज करना है। तो मसाज हो गया है कंप्लीट, अब फेस को वॉश कर लीजिए। अब हमारा लास्ट स्टेप है फेस पैक। पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच बेसन लीजिए, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 विटामिन ई कैप्सूल और लास्ट में 1 चम्मच कर्ड ऐड करके मिक्स कर लीजिए। तो हमारा फेस पैक बनके रेडी है। अब इस पैक को लेकर पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करके इसको 15-20 मिनट तक रखना है। गाइस, ये जो मैंने फेस पैक बनाया है, ये आपके ड्राई, डैमेज, डल स्किन को सुपर ग्लोइंग और ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा, और अगर आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं तो उससे भी ये दूर करेगा, क्योंकि इसमें मैंने कर्ड ऐड किया है। तो पैक को अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 15-20 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। और अभी आप आफ्टर रिजल्ट तो देख ही सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देती हूँ दोस्तों, अगर आप इस फेशियल को हफ्ते में एक बार करके करते हैं ना, तो पूरे विंटर सीजन में आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगा, बल्कि हमेशा ग्लो करते रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।